दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं A4 साइज पेपर में हम बच्चों का या अपने एम्प्लॉय की आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑटोमेटिक आईडी कार्ड होगा जो आप बहुत आसानी से एक क्लिक से, यानी कि जैसे आपने टाइटल देखा होगा कि 1000 या 100 या 2000 जितने भी आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं आप, वो बहुत आप आसानी से बना लेंगे सिर्फ एक क्लिक से। तो कैसे करेंगे इसको, देखो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है। अगर मैं इसकी जगह नंबर ले लेता हूँ 4, तो 4 नंबर लेने के बाद शो फोटो में मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे उससे आगे के ये फ़ोटो शो हो गए, यहाँ पे उन्हीं के नाम शो हो गए। अब इसका क्या लॉजिक है, क्या तरीका है, मैं आपको बताऊँगा। देखें, इसमें हमने दो शीट ली हैं, एक जगह प्रिंट है और एक जगह डेटाबेस। डेटाबेस में पहले हमने लिया सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, उसकी लोकेशन। अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मेट तैयार किया है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे कैसे हमने इसको तैयार किया, ये पूरा वीडियो आप आखिरी तक देखें। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर रखा है। इसके लिए चाहिए हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा हमें, जहाँ पर फ़ोटो रखने पड़ेंगे हमें, और एक हम इसमें कुछ VBA कोडिंग चाहिए, और एक हमें चाहिए इमेज। जैसे मैं इस इमेज का प्रीव्यू करता हूँ, तो ये मैंने एक इमेज बनाई है। ये इमेज जो है PNG इमेज है, इसको आप फोटोशॉप से भी एडिट करके बना सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बैकग्राउंड अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो फोटोशॉप से बना लेंगे, या फिर फोटोशॉप के से नहीं बनाना चाहते हैं कॉरल ड्रॉ से, बहरहाल PNG इमेज होनी चाहिए, .png। अगर मैं इसका एक्सटेंशन देखूं तो ये होगा आपका .png। png और jpg में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा कि png और jpg में क्या फ़र्क है। png इमेज में क्या है, जैसे कि ये एक इमेज है, अब इस जो jpg इमेज होता है तो उसके ऊपर हम कुछ लिख नहीं सकते थे, यानी कि उसके ऊपर हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन jpg इमेज में। और png इमेज में हमने क्या किया, ये ऊपर का हेडर बना लिया और नीचे का हल्का सा एक बॉटम ले लिया, और उसके बीच में हमने अपना जो डेटा है वो यहाँ पे फिल कर लिया, और साथ में ये फ़ोटो भी लगा लिया। तो इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले बनाते हैं हम डेटाबेस। जैसे कि ये डेटाबेस बना लिया आपने, सिंपल है। मैं ये पूरी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप वहाँ से इसको ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़िलहाल 100 आदमियों का ये डाटा तैयार कर लिया, ये डेटा तैयार है। अब प्रिंट में हमने बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं एक नई शीट ले लेता हूँ, इसमें फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पे बनाने के लिए इसके बाद मुझे लेना पड़ेगा यहाँ से पेज लेआउट। पेज लेआउट में यहाँ पे लूँगा तो उससे क्या होगा कि पेज लेआउट लेने के बाद ये इस तरह से आपका पेपर टाइप से आ जाए। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और कॉलम की विड्थ अपने हिसाब से ले लेनी है, जितने इंच लेनी है, 3 पॉइंट, जैसे मैं 3 ले लेता हूँ, और 3.3 लेने के बाद अब आपने चाहे तो आप इसके, अब इंसर्ट से हम क्या करेंगे, इसमें पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर कहाँ है, हमारी डेस्कटॉप पे है, हमारा आईडी कार्ड का, ये हमारा इमेज आईडी कार्ड है। अब हमने ये देख लिया, ये हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है हमें ये यहाँ से, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। ये हमने इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि ये हमारा ये इंसर्ट हो गया। फिलहाल हमने एक कॉलम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि थोड़ी जगह यहाँ से भी रहनी चाहिए। अब इसके बाद फिर से हम इसमें नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे, यहाँ नीचे नॉर्मल। अब आपने इसमें ये देखना है कि इसकी कॉलम की विड्थ कितनी है, 41.29। हम एक कॉलम छोड़ देते हैं, इसके बाद यहाँ की भी हम ले लेते हैं कॉलम विड्थ 41.29। तो ये हमारा कॉलम हो गया। अब चाहें तो इससे पहले एक इंसर्ट कर लेते हैं हम एक रॉ, तो ये क्या होगा, ऊपर से हमारा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक हमारा ये हो गया हमारा ये एक और एक इधर है।
अब हमने इसमें इसका करना होगा पेज सेटअप। पेज सेटअप में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। पेज सेटअप बहुत ज़रूरी है। पेज सेटअप में आपने पेपर साइज में आना है, यहाँ से लेना है आपने A4। A4 ले लिया आपने, उसके बाद हमने आना है पेज लेआउट में और यहाँ से इस पूरे ऑप्शन को खोल लेना है। इसमें आप देखेंगे कि हमने मार्जिन सेट करना, मार्जिन हम यहाँ पे चाहे तो 0-0 कर दें, तो 0-0 मार्जिन में क्या होगा आप देखेंगे, आप का आसानी से आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से ले लिया, अब मैंने कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसको क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले लेना है। ये मेरी इमेज है और इन दोनों को सेलेक्ट करना है, फिर इसको पकड़ के नीचे ले लेना है जितनी जगह आप छोड़ना चाहते हैं। ये ले लिया मैंने। अभी इसको बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर इसको हमने यहाँ से यहाँ ले लिया, यहाँ लिया और एक बार और ले लेते हैं क्योंकि ये 5 और 5 10 आ जाएंगे। अब हमने ये देखना है कि इसमें प्रिंट पूरा 10 का 10 आ रहा है या नहीं, तो फाइल में आके हम प्रिंट में आएंगे, तो आप देखेंगे ये 10 के 10 यहाँ पे इजीली आ रहा है क्योंकि हमने मार्जिन भी इस हिसाब से सेट किया है कि वो उसमें एडजस्ट हो जाए। अब नंबर आता है कि इसमें हम प्रोग्रामिंग क्या करें, तो प्रोग्रामिंग की ये पूरी जितनी भी डिटेल है इसमें, ये मैं आपको, ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और इसकी VBA कोडिंग भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उसमें VBA कोडिंग में हो सकता है आपकी कंडीशन में थोड़ा चेंज करना पड़ जाए आपको। सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ सेल नेम, बाकी डेटा उसी हिसाब से लेगा। अब हमने करना ये है, यहाँ पर जिस डेट जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा यहाँ पर लेना चाहते हैं, जैसे हम लेना चाहते हैं इस सेल के अकॉर्डिंग, मैंने इस सेल को क्या किया, मर्ज कर लिया, और मर्ज करने के बाद इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे मैंने एक, अब यहाँ पे मैंने ये डेटा बना लिया यहाँ पे जिससे हमें लुकअप करना है। अब हमने कंडीशन ये है कि अभी इसमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, इससे पहले मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और एक, अभी हमने काम ये करना पड़ेगा इसकी जो चौड़ाई है इसको 2 भागों में बांटना है, जो फोटो आए ये। अभी एक काम करते हैं, इसमें पहले एक कॉलम ऐड कर लेते हैं और इस कॉलम को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ये यहाँ पे आ जाए और बाकी जो है यहाँ पे। इसी तरह से एक कॉलम हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसको भी हम इसी हिसाब से एडजस्ट करें, और इस हिसाब से एडजस्ट करना है क्योंकि ये जो चौड़ाई है आपके इसके अकॉर्डिंग रहे। अब हम इसको देख लेते हैं, ये क्या वेट्स है इसकी, 11, तो हम इसको 12 कर लेते हैं या 11 ही कर लेते हैं इसको, और इसको भी 11 कर लेते हैं। और बाकी जो बचती है इसकी वेट्स देख लेते हैं, कॉलम की कितनी है, 29.71, इसकी भी हमने ले ली कॉलम वेट्स 29.71। तो आप देखेंगे अभी हमने क्या कर लिया, इसका पेज सेटअप कर लिया, इसकी बाकी सारी सेटिंग। अब हमने क्या करना है, इसमें डेटा लेके आना है। फिलहाल मैं इनमें 2 में डेटा लाना आपको बताऊंगा, बाकी आपने डेटा जो है उसी के अकॉर्डिंग आगे ले लेना। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्लिक किया, सबसे पहले हम आएंगे पेज लेआउट में और सिलेक्शन पेन में आ जाएंगे हम। यहाँ से जो हमारी इमेज पिक्चर 1 है उसको हम हटा देते हैं फिलहाल, और ये डेटा जो है यहाँ पे हमें नेम लेना है, तो हम क्या करेंगे बराबर यहाँ पे फिलहाल एक्स लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे नेम लेना है, 1 2 3 4 5। अब एक बार हम प्रिंट वाले में देख लेते हैं, नेम है, आईडी है,
डेजिग्नेशन है मोबाइल लोकेशन। अब हमने नेम लेना है इसके अकॉर्डिंग और ये हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस में हमने क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है डेटाबेस को और इसका एक नाम रख लेना है। फिलहाल मैंने इसका नाम पहले से रखा है लेकिन मैंने वो आपका A6 से लेकर यानी यहाँ से लेके नीचे तक का पूरा एक नाम डेटा रखा है, तो उसी डेटा को हम यूज़ कर लेंगे या तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब हम क्या चलते हैं शीट 1, यहाँ पे लिया मैंने बराबर वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन पिक्चर जो हम लेके आएंगे फोटो वो लेके आएंगे हम VBA कोडिंग की मदद से। तो लुकअप वैल्यू हो गई हमारी ये वाली सेल कोमा, सबसे पहला नंबर है सीरियल नंबर, फिर है ID, फिर है नेम और यहाँ पे ले लेंगे हम डेटा ले लेंगे जो हमारा नेम रखा था हमने। 3 तीसरा कॉलम, देखो इसमें क्या होता है लुकअप वैल्यू जिस वैल्यू के आधार पे आप डेटा लेना चाहते हैं। टेबल अरे, अभी हमने टेबल अरे का नाम रख दिया है, अगर नाम नहीं रखा हो तो वो रेंज लेनी पड़ती है। कॉलम इंडेक्स नंबर उसका तीसरा कॉलम और कोमा 0 और इसमें 0 बराबर फाल्स और 2 में भी काफ़ी फर्क होता है, फिलहाल हम इसको 0 रहने देते हैं। ट्रू फाल्स का मतलब ये होता है एक कंडीशन ऐसी होती है जैसे लुकअप वैल्यू आपकी एग्जैक्ट जो मैच करनी होती है वो 0 से होती है और 1 अगर हम कर लेंगे तो जैसे हमने पहली लुकअप वैल्यू 1 दे दी और जो हमारा डेटा है वहाँ पे 1 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो 2 को भी लुकअप कर देगा वो, तो वो कंडीशन में हम 1 लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे वी लुकअप से हमने नाम ले लिया इसका, तो ये तो ले लिया हमने नाम। इसी के अकॉर्डिंग जैसे इसके बाद है आपका इस फॉर्मूले की कॉपी कर लेंगे हम और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हम साथ में ये भी लेना चाहते हैं कि एम्प्लॉय ID, तो बराबर और इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे हम। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया हमने बराबर इन्वर्टेड कोमा लगाया EMP ID स्पेस कॉलन इन्वर्टेड कोमा। तो ये क्यों लगाया हमने, इसमें क्या होगा जो इन्वर्ट एम्प्लॉय ID से पहले उसमें ये भी लिखा हुआ जाएगा कि एम्प्लॉय ID और इसके बाद हमने जो एंड का साइन लगाएंगे, एंड ये वाला डेटा चाहिए प्लस हमें वो वी लुकअप से मतलब उसकी ID भी चाहिए। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, ये कॉलम है दूसरा तो उसको दूसरा ले लेंगे, तो एम्प्लॉय ID। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक स्पेस और लेना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा वो बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। इसके बाद है डेजिग्नेशन, तो ये हमारा सीधा ऐसे ही लिखा है, फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर पे है, ये आ गया आपका डेजिग्नेशन। फिर हमारा है 5 नंबर और फिर हमारा है 6 नंबर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे हमारा ये लोकेशन है ये मोबाइल नंबर, इससे पहले हमें मोबाइल नंबर लिखना है तो वही सिंपल तरीका है, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे आप जैसे आपने लिखा मोबाइल इन्वर्टेड कोमा और कॉलन फिर इन्वर्टेड कोमा, बीच में जितना स्पेस लेना चाहते हैं आप ले लेंगे, तो उससे पहले मोबाइल भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिख दूँ जैसे मैं 115 लिख दूँ तो 15 के हिसाब से वो आ जाएगा। फिलहाल इससे पहले हम ले लेते हैं लोकेशन, तो देखें आप ये नेम ये सब चीज़ें हो गई, इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट करके और यहाँ से इंडेंट जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा उसको आगे से कर लेते हैं या फिर इतनी जगह यहाँ पे बनाएंगे। फिलहाल तो ये हो गया डेटा लेने का तरीका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली पिक्चर, फिर हम इसमें पेज लेआउट में आते हैं और आ जाते हैं हम सेलेक्शन पे, जो हमने पिक्चर डिसेबल की थी यानी कि उसको हाइड किया था, अब तो उसको शो कर लेते हैं। दूसरी वाली
हाइड कर लेते हैं। फिलहाल दोनों को हाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमें डेटा भी लेना है। अब इसकी आपने कॉपी की, यहाँ पर आए, आपने सिंपल पेस्ट कर दिया। बस आपने एक चीज़ का ध्यान देना है इसमें कि ये जो हमारी लुकअप वैल्यू है यहाँ पे प्लस वन कर लेना क्योंकि वो अगले सीरियल नंबर को पकड़ेगा। फिर आपने यहाँ से पूरा फॉर्मूला कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट करना है और प्लस वन कर लेना है। नेक्स्ट कंडीशन में आप प्लस वन, फिर प्लस टू, प्लस थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और पहला तो है ही, तो टोटल मिला के 10 करने पड़ेंगे। तो इसको भी हमने इसी तरह से ले लिया, यहाँ पे प्लस वन। जो लुकअप वैल्यू है उसमें ध्यान देना आपने कि प्लस वन जरूर करना है, नहीं तो वो एक ही डेटा को बार सब जगह दे देगा। तो ये नाम के हिसाब से यहाँ पे डेटा आ गया। फिलहाल मैं वन लिखता हूँ, तो वन और टू। अब मैं हमने क्या करना है, फिर से पेज लेआउट में सेलेक्शन में हम आए और हमने दोनों को विजिबल कर दिया। अब हमें लेके आना है फोटो। अब हमें लेके आना है फोटो कि फोटो कैसे शो। फोटो शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ को आपने ध्यान रखना है, जितनी भी ये हमारी बैकग्राउंड पिक्चर्स हैं इनको आपने यहाँ से सबको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल का जो बटन है कीबोर्ड में वो प्रेस किया आपने और उसके बाद सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो हम कोडिंग देंगे वो इस तरह की देंगे कि जो एक्टिव शीट में जो पिक्चर्स हैं वो डिलीट हो जाएँ और नई पिक्चर उसमें जो है फोटो वो ऐड हो जाए। क्योंकि ये भी एक पिक्चर है तो उसमें क्या है, अगर हम इसको ग्रुप कर लेते हैं तो ये पिक्चर एक ग्रुप बन जाएगी, डिलीट नहीं होगी, नहीं तो क्या होगा आपकी बैकग्राउंड की डिलीट हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ से आपने ग्रुप किया तो ये पूरी ग्रुप होगी। अब हम एक बटन ले लेते हैं यहाँ से कोई सा भी, एक हमने बटन लिया। अब आपने एक चीज़ ध्यान देनी, बटन में हमने इसका थोड़ा साइज बढ़ा लिया, बोर्ड सेंटर सेंटर यहाँ का ले लिया हमने, ऐड फोटो या शो फोटो। तो ये हमने फोटो शो करने का बटन ले लिया, यहाँ पे हमें कोडिंग करनी है। अब आपको एक चीज़ का इसमें और ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको भी हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें कलर वगैरह भी दे सकते हो। अभी इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना है कि ये जो हमें फ़ोटो लेना है वो यहाँ पे लेना है, यानी कि ये सेल का नेम है B5 और आपका ये वाले सेल का नेम है आपका E5। तो B5 और E5 में हमने फ़ोटो लेना है। B5 और E5 में हमने फ़ोटो लेने हैं। अब आप देखेंगे ये जो है पूरा एक ग्रुप बन गया। अब हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में आ जाएंगे, ये बोलेगा असाइन मैक्रो के लिए, तो हम इसमें न्यू मैक्रो बनाएंगे। अब देखो मैं एक कोडिंग है वैसे मेरे पास लिखी है, मैं उसी को बता देता हूँ आपको, VBA कोडिंग है, कोडिंग क्या है इसमें, मैं फिलहाल दो पिक्चर की कोडिंग ले लेता हूँ, एक और आपका दो।
अब ये कोडिंग क्या है इसके बारे में अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपने आसानी से इसको समझ जाएंगे। अब इसमें क्या है, डिम ए एज पिक्चर। ए डिम जो हमें देना पड़ता है ये किसी भी अक्षर को एक कमांड डिफाइन करने के लिए हमें देना पड़ता है। डिम बी एज स्ट्रिंग ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यानी इस कंडीशन में कभी एरर आए, क्योंकि कई बार क्या होता है उस एम्प्लॉय की पिक्चर ही नहीं है तो एरर दे देता हो, तो उसमें रिज्यूम नेक्स्ट यानी कि आपका उस एरर की वजह से रुके ना, आगे चल जाए, आगे चला जाए। अब सबसे पहले हमने इसमें दिया एक्टिव शीट डॉट पिक्चर्स। अब इसमें एक एक एस लगा हो या डॉट लगा हुआ हो उसको आपने ध्यान रखना है। एक्टिव शीट डॉट पिक्चर्स डॉट डिलीट, यानी एक्टिव शीट में जितनी भी पिक्चर होंगी, एक्टिव शीट जो है जिस शीट में हम काम कर रहे हैं, डॉट पिक्चर पिक्चर्स डॉट डिलीट, यानी उसमें जो पिक्चर्स है वो डिलीट हो जाए। अच्छा, अब हमने एक काम ये करना है कि इससे पहले हमें एक काम ये करना होगा कि हमें एक सी ड्राइव में या कहीं भी लोकेशन में आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया है फोटो, यहाँ पे मैंने कुछ 15 फोटो रखे हैं। यहाँ पे 15 फोटो में एक कंडीशन आपने देखनी है कि जिसका सीरियल नंबर जिस हिसाब से है, जैसे 1 सीरियल नंबर या 1 एडमिशन नंबर है उसका फोटो हो, दूसरे का हो, तीसरे का हो, उसी तरह से आपके 100 हों, 200 हों, 500 जितने भी जने हैं उन सब के फोटो यहाँ पर हो। अब आपके चाहे ये सी ड्राइव में हो, चाहे ये डी ड्राइव में हो, कहीं पे भी दे सकते हैं आप, लेकिन उसमें कंडीशन हमें यहाँ पे फॉर्मूले में इसमें कोडिंग में चेंज करनी पड़ेगी। कोडिंग में आपको दिखा देता हूँ कि कोडिंग हमने देनी है डिम ए एज पिक्चर डिम बी एज स्ट्रिंग ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट एक्टिव शीट डॉट पिक्चर्स डॉट डिलीट। अब हमने दे दिया इफ टारगेट डॉट एड्रेस, यानी टारगेट का जो डॉट एड्रेस इज इक्वल टू रेंज। अब हमें यहाँ पे रेंज, ये क्योंकि रेंज ये थी दूसरी वाली, अब हमें यहाँ लेनी पड़ेगी रेंज जे टू, क्योंकि ये जे और टू रेंज लेनी पड़ेगी। अब हमने ले ली रेंज जे टू, जे छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे टू, और यहाँ पे भी ले लिया आपने जे टू। अब हमें इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, हम चलते हैं एक्सेल में, इसमें पिक्चर्स को एक बार हटा देते हैं। ये लेनी है हमने B5 और E5। अब हमने इसमें ये दे दिया कि यदि टारगेट का एड्रेस यानी जो उसका नेम है रेंज जे टू के एड्रेस के बराबर है, यानी जो हमारा जे टू में एड्रेस है और जो हमारा टारगेट है उसका जो एड्रेस है वो दोनों सेम हैं, देन बी बराबर बी जो कि स्ट्रिंग है, सी ड्राइव इसकी जगह आप डी ड्राइव ई ड्राइव कोई सी भी ले सकते हैं, अपने फोटो की जगह किसी और नाम का फोल्डर बना सकते हैं। वो आपने ये ध्यान देना है कि वो फोल्डर का पाथ जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। अब इसमें हमने दे दिया सी और स्लैश फोटो स्लैश और इसके बाद इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद हमने एंड लिया, एंड का मतलब ये है कि इसमें जाने के बाद एंड उसका नाम होगा, एक नाम क्या होगा जो जे टू में हमने दिया, जे टू में हमने वन दिया है तो वहाँ वन वाले का नाम पकड़ उठाएगा, और टू दिया है तो टू वाले का नाम आएगा। एंड वैल्यू एंड इन्वर्टेड कॉमा डॉट जेपीजी, जेपीजी में ले लेगा उसको, जो पिक्चर है वही वहाँ से लेगा विद रेंज। अब कौन सी रेंज में ये पिक्चर आनी चाहिए, हमने यहाँ पे लिया है B5, यहाँ पे है C6, हमने ले लिया यहाँ पर B5। सेट ए बराबर एक्टिव शीट डॉट पिक्चर्स डॉट इंसर्ट। अब ए का काम हो गया, ए को हमने देखो, बी को हमने क्या डिफाइन किया, बी को हमने ये डिफाइन किया, और ए को क्या डिफाइन किया, ए को ये डिफाइन कर दिया कि सेट ए बराबर एक्टिव शीट डॉट पिक्चर्स डॉट इंसर्ट और बी, बी का काम हमने यहाँ ये दे दिया। अब इस बी को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि अब ये भी क्या करेगा, यहाँ या तो फिर हमें सीधे यहाँ पे फोल्डर का वो देना पड़ता है,
इसलिए हमने यहाँ पे बी में जो कमांड लिखी वो बी यहाँ पे काम करेगा, यानी बी बराबर है ये सब चीज़ के। तो अब हम ये सब चीज़ ना लिख के बी लिख दिया। अब फिर हमने दे दिया ए, ए जो कि एक स्ट्रिंग है, ए डॉट हाइट बराबर। अब आपने हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी। देखिए हाइट में क्या है आपका 90, 65, 80, 60, 90, 70, जैसे आपका एडजस्टमेंट सही बैठता है, फोटो आपका बराबर आता है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और फोटो का आपने मेज़रमेंट में एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी आप फोटो रखेंगे एम्प्लॉय का वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो और साथ में उसका भी एक साइज है, जैसे कि मैं फोटोशॉप में आपको बता दूँ जो फ़ोटो का साइज होना चाहिए वो किस टाइप से होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो का साइज़ बहुत मैटर करता है उसमें। कि जैसे हमने फ़ोटो का जो साइज़ लेना, जब हम क्रॉप टूल लेते हैं फ़ोटो का साइज, फ़ोटो कोई सा भी हो उसको क्रॉप से हम क्या करेंगे 2.1 विड्स, ओ सॉरी 1.2 विड्स और 1.5 हाइट उसकी और 300 रेजोल्यूशन, ये आपने सेट करना है। तो उसके बाद जब आप क्रॉप करेंगे किसी पिक्चर को, जैसे मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे ये पिक्चर है इसको अब हम क्रॉप करेंगे तो उसी हिसाब से वो क्रॉप लेगा। उसकी चौड़ाई वगैरह सही आएगी, एंटर कर देंगे तो ये क्रॉप करने का तरीका है। अब हमने यहाँ पे क्रॉप करने के बाद ए की हाइट 90, ए की विड्थ 65, ए डॉट टॉप ऊपर से डॉट टॉप, यानी जो सेल के ऊपर से कहाँ से आए, यानी ऊपर की साइड से वो टॉप से आए और लेफ्ट साइड से लेफ्ट से आए। ए डॉट प्लेसमेंट बराबर एक्सेल मूव एंड साइज, मूव और साइज जाए। ये जो विद यहाँ पे हमारा रेंज के साथ शुरू हुआ था वो एंड विद हो गया, जब हम इफ को शुरू किया था हमने, अब एंड इफ कर देंगे। तो ये एक फ़ोटो के लिए हो गया। अब हमें दूसरा फ़ोटो लेकर आना है, तो दूसरा लेकर आना है हमने, उसके लिए हमें फिर से ये जो हमने ए और बी डिफाइन किया था यहाँ पे सी और डी को डिफाइन कर लिया। अब हमने कमांड बाकी पूरी वही कॉपी कर लेंगे आप यहाँ पे, बस आपको करना क्या होगा, जैसे ये जे टू है, अब हमने यहाँ पे सारी कमांड ले ली, बस ये चीज़ बदलनी पड़ेगी आपको, जो डिम है उसके जो पिक्चर्स की और स्ट्रिंग की जो वो है नेम वो बदलना पड़ेगा। जैसे आपने दे दिया, अब इसमें 1 2 नहीं चलने का, इसमें जैसे सी डी, वो ऊपर वाला ए बी था, ये मैंने सी डी कर दिया। अब आप इस तरह से आगे डी ई ई एफ जी एच आई जे उस हिसाब से बना लेंगे उसको। तो टारगेट डॉट एड्रेस बराबर रेंज के टू के फोर की जगह जे टू कर लेंगे, ये हमारा जे टू हो गया। अब इसमें डॉट एड्रेस प्लस 1, यानी अब जे टू में तो 1 जो ऊपर लिखा 1 है, अब उससे अगला नंबर लेने के लिए हम इसमें प्लस 1 करेंगे। देन फिर हम जे टू प्लस 1 कर लेंगे। अब पहले बी फाइव में था, अब की बार जो है वो ई फाइव में, फोटो ई फाइव में आना है। अब जहाँ पे ए था वहाँ सी आ गया, जहाँ बी था वहाँ डी आ गया। तो जहाँ ये हमने बी को डिफाइन करा था वो डी में आ गया, ये आ गया और ए की जगह ये आपका सी आ गया, बाकी सब चीज़ सेम। अब हम इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, चलते हैं सीट में। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम हटा देता हूँ। अब पहले हम अपना ये पिक्चर देख लेते हैं, ये हमारे लॉक हैं यानी कि ग्रुप हो रखे हैं, अगर ग्रुप नहीं होंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे जैसे आप पिक्चर ऐड करोगे। शो फोटो में आप क्लिक करोगे तो आप देखेंगे ये फ़ोटो यहाँ पर आ गई। इसी तरह से तीसरा चौथा, और आपने एक चीज़ का ध्यान देना है इसमें कि आपने ये जो कोडिंग हमने मैंने आपको बताई, ये कोडिंग जो मैंने आपको बताई है इसमें जे टू ये सेल है और जे टू प्लस 1 यानी 1 है इसमें, तो दूसरा सीरियल नंबर 2 है। अगर आपने इसमें भी कई सारी कंडीशन है, अगर आपने मानो के जैसे मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, एक जगह 1 लिख रखा उसके बाद फिर
फाइव लिख रखा है तो नहीं पकड़ेगा वो, उसमें आपको एक सीरियल नंबर बनाना पड़ेगा उसका, यानी सीरियल वन से लेके टेन तक, फिर इलेवन से लेके ट्वेंटी तक, ट्वेंटी वन से थर्टी तक। तो उसके बाद जितने फ़ोटो आप डालेंगे उतना डाटा डालेंगे और सीधे इसमें आपने नंबर डालना है, शो फोटो करना है, प्रिंट में क्लिक करना है, आप आसानी से आई कार्ड बना लेंगे, आई कार्ड की झंझट ही खत्म हो जाएगी। कोई आपको सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। फिलहाल मैंने ये इस तरह से बनाया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सारी कोडिंग वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपने ध्यान ये देना है, और आपको कुछ समझ में नहीं आया किसी भी कोडिंग में कोई दिक्कत है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो उसमें मैंने आपको इस फाइल को भी दूंगा मैं आपको, और साथ ही साथ उसमें मैं आपको जो बाकी की जो उसका बैकग्राउंड है वो भी दूंगा, और बैकग्राउंड बल्कि बैकग्राउंड तो आप यहाँ से ही ले सकते हैं, मैं फाइल ही दे दूँगा तो उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोडिंग वगैरह। तो ये हो गया हमारा, इसमें हमने प्लस वन किया, नीचे वाले में आप आएंगे प्लस टू करेंगे, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, सिक्स, सेवन और उसके बाद एट, नाइन, उसी तरह से कर लेंगे। तो कुल मिला के उसमें क्या है, आपने ऐड करते रहना, जैसे हमने यहाँ पे प्लस वन किया है, प्लस वन, प्लस वन, वन, वन। तो ये है हमारा, अब हम इसको एक बार देखते हैं इसका प्रिंट, फाइल में आएंगे प्रिंट में, तो आप देखेंगे ये आपकी वो बन के आ गई। अब आप इसके बीच में से कटिंग करो, यहाँ से कटिंग करो, आईडी कार्ड आपका तैयार। इसका साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही साइज रखना है आपने, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जहाँ तक है मैंने आपको बताया कि इसकी बैकग्राउंड वगैरह कैसे, हमने ये बैकग्राउंड है, ये पिक्चर्स वगैरह कैसे लेकर आए हम, इसी तरह से आप इसमें बाकी की पिक्चर है यानी जो दो हैं उसको तीन, प्लस टू, फिर प्लस थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये आप पिक्चर दिला देंगे। लेकिन आपने वीवीए कोडिंग में एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे मैं आपको एक और बता दूं, क्योंकि कई बार दिक्कत वहाँ पे आ जाती है कि एक्टिव शीट डॉट पिक्चर डॉट डिलीट। सबसे पहले ये कमांड काम ये करेगी कि एक्टिव शीट में जो पिक्चर्स होगी उसको डिलीट कर देगी। तो आपने इन सबको जो आपकी बैकग्राउंड पिक्चर है इनको ग्रुप कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अब आपने एक्टिव पिक्चर को दोबारा नहीं लेना है यहाँ पे। अगर आप इस कोड लिखने के बाद फिर आपने यहीं से कॉपी कर दिया पूरा, यहीं से कॉपी कर दिया और उसके बाद क्या होगा, एक्टिव पिक्चर फिर दोबारा आ गया तो वो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करेगा, फिर यहाँ पे डिलीट कर देगा, फिर दूसरी कर देगा, तो कुल मिला के आपकी दसवीं पिक्चर ऐड होगी, ना कि पहली पिक्चर। तो फर्स्ट कोड में सिर्फ लाइन में आपने ये देना है ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट, ये ज़रूर लिखना है, नहीं तो वो बीच बीच में एरर देगा। तो ये सब कोडिंग है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारे आने वाले लगातार वीडियो आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों में जिससे आपके दूसरों के भी ये काम आ सके। क्योंकि यहाँ पे हम आईडी कार्ड में, मैंने कई बार देखा इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाए आईडी कार्ड बनाने के एक्सेल से, तो उसमें क्या है, कुछ लोग कहते थे कि फुल पेपर पे चाहिए हमें प्रिंट, तो जब से मैंने आज सोचा कि इसमें कुछ काम किया जाए मैंने फुल पेपर का ये आई कार्ड बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा और आपके काम का होगा, और आप इसमें फ्री डाउनलोड कर सकते हैं ये, और हमारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे उसकी तरह, मतलब पेड करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।